अर्शी को धक्के मार कर निकालेंगे हॉस्पिटल से बाहर। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, झनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब झनक की वजह से अनिरुद्ध की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल होती है, फिर डॉक्टर की टीम अनिरुद्ध का ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं, लेकिन बाहर खड़ी अर्शी खूब ज़्यादा तमाशा बना रही होती है और उसे अनिरुद्ध के तबीयत के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, बल्कि उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि झनक वहाँ पर क्यों है और वो अनिरुद्ध के लिए प्रेयर क्यों कर रही है। वो झनक से लड़ाई झगड़ा कर ही रही होती है और फिर कहती है कि मैं जाऊंगी अनिरुद्ध से अंदर मिलने के लिए। इस पर झनक कहती है कि आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपकी वजह से सरजी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब हुई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस बात को लेकर अर्शी फिर से झनक के ऊपर बरस जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, क्या अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। उसके बाद वो झनक से लड़कर अनिरुद्ध से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। जैसे ही अर्शी अनिरुद्ध के पास जाती है, अचानक से अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगती है और तो और अर्शी जब अंदर जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि मैम देखिए, आपके आने से अनिरुद्ध की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आप जाइए, फिर भी अर्शी डॉक्टर्स की बात नहीं मानती है और एक बार भी अनिरुद्ध से उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछती है, बल्कि वो अनिरुद्ध से इस बात को लेकर लड़ रही होती है कि झनक यहाँ पर क्या कर रही है। और इन सारी बातों को सुनकर अनिरुद्ध की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। इस बात को लेकर डॉक्टर्स पहले तो अर्शी से रिस्पेक्टफुल बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, लेकिन बदतमीज अर्शी कहाँ किसी की रिस्पेक्ट सुनती है और ना ही वो किसी की रिस्पेक्ट करती है और फिर वो डॉक्टर्स के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। फिर डॉक्टर्स नर्स उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और झनक को अंदर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि झनक जब अनिरुद्ध के पास आती है तो अनिरुद्ध की तबीयत ठीक होने लगती है। उसके बाद फिर झनक जब अंदर आने लगती है तो अर्शी और सृष्टि उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन नर्स उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और झनक को लेकर अंदर अनिरुद्ध के पास जाते हैं। जैसे ही झनक अनिरुद्ध के पास आती है, धीरे धीरे अनिरुद्ध की तबीयत में फिर से सुधार होने लगता है और डॉक्टर्स अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।